हो गई आज, बताया नहीं बस जल्दी जल्दी चलो मस्त साल पे सबको विश करने के बाद मैं लग गई अपने रेगुलर काम में, जिसमें था क्लीनिंग, ब्रेकफास्ट, लंच और थोड़ा से इवनिंग के सेलिब्रेशन की तैयारी, जो कि हमें सबको फैमिली के साथ करनी थी। तो क्योंकि मंथ स्टार्ट हो रहा है तो मुझे मंथली राशन, ग्रॉसरी वगैरह लेकर आनी थी, तो मैंने एक अलमीरा को साफ करने का डिसाइड किया। वैसे भी मेरा पहला स्टेप यही है जब मैं ग्रॉसरी लेकर आती हूँ कि मुझे देखना रहता है कौन कौन सा सामान है या नहीं है, और एक अलमीरा की डीप क्लीन मैं करती ही हूँ। तो मैंने ये कॉर्नर वाली अलमीरा चूज करी, सारा सामान निकाल लिया इसका बाहर। इसमें ज़्यादातर मेरे अचार वगैरह रहते हैं, और जो भी मेरे जार्स थे जो गंदे हो रहे थे उन सबको मैंने क्लीन किया। अब चाहे नया साल हो चाहे ना हो, ये सब काम तो करने ही पड़ते हैं। तो इन सबको क्लीन करा, थोड़ा सा किचन को भी क्लीन करा। और जो मेरी ये कॉर्नर वाली अलमीरा है ये बहुत ऊपर पड़ती है, पीछे इसमें हाथ नहीं जाता है, और वहाँ पीछे तक जाने के लिए मुझे इस सीढ़ी का सहारा लेना पड़ता है। तो मैंने डिसाइड किया कि जो भी सामान जैसे कि अचार मेरे वहाँ कॉर्नर पे रखे रहते हैं उनको मैं इस जगह पे प्लेस करूँगी और अपना एक अचार का भी कॉर्नर बनाऊँगी। तो उसके लिए सबसे पहले करनी थी सफाई इस जगह की, और इतना सारा सामान लगाना था। तो लंच के लिए बना दी कढ़ी, विंटर्स में थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है, अभी सही करूंगी। और ब्रेकफास्ट में बना लिया दलिया, अब आराम से सारा काम करूंगी, और बीच बीच में ये लंच की और डिनर की, लंच की और ब्रेकफास्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वही पहला स्टेप, कुछ भी चीज़ बनानी है तो पहले उसकी सफाई करनी पड़ती है। तो मैंने सारी सफाई अच्छी तरह से करी, क्योंकि अचार मसाले की जो छोटी छोटी सी जार्स होते हैं उन्हें मैं बार बार नहीं हटा पाऊंगी। तो मैंने जगह को साफ किया और थोड़ा सा स्टेयर्स का सा लुक बनाया यहाँ पे, तो पुराने बॉक्सेस रख दिए और प्लेस किए अपने सारे अचार के जार्स। तो कुछ तो मेरे जो ऊपर रखे हुए थे अचार के वही मैंने यहाँ पे लिए, और कुछ मैंने नए अपने छोटे जार्स में जो थे उन्हें मैंने इसमें निकाल दिया, क्योंकि बहुत बड़े बड़े हम अचार के जार यहाँ पे नहीं रख सकते हैं, जगह कम है। तो मैंने सारा सामान देखिए यहाँ पे इस छोटी सी जगह में प्लेस करा, और उसके लिए मैंने मेरे पास कुछ पुरानी रॉट आयरन की वॉल शेल्फ थी वो भी मैंने लगा दी। तो इस तरह से तैयार हो गया मेरा एक अचार का और चटनी का कॉर्नर। इसमें मैंने थोड़े से छोटे छोटे से ये प्रिंटआउट्स लगा दिए पोस्टर्स की, आप जानते ही हैं अगर आप मेरे रेगुलर वीडियोस देखते हैं कि मैं इन्हें मार्केट से प्रिंटआउट निकलवा लाती हूँ। तो मैंने लगा दिए इनको यहाँ पे, ये पुरानी किचन की कुछ शेल्फ थी वो लगा दी, और छोटे छोटे से डेकोर पीस जो रेगुलर मेरी किचन में रखे रहते हैं। चार कॉर्नर में सबसे पहले रखी रहती हैं ये दो, देखिए छोटी छोटी सी बोट, इसमें रखी रहती है मीठी चटनी आम की, और दूसरी वाली में रहती है रेगुलर जो ग्रीन चटनी है जो कि मैं बनाती हूँ। पहले मैं इसे फ्रिज में रख देती थी, अब मैं इसको बाहर ही रखती हूँ। उसके बाद ये है देखिए बहुत ही सुंदर से दो मग जिसमें ढक्कन लगा हुआ है, एक में रहती है आंवले की चटनी जो कि बिल्कुल एक च्यवनप्राश की तरीके से ही काम करती है, इसमें रहता है विटामिन सी और आयरन क्योंकि आंवले में, इसे मैं रेगुलर खाती हूँ, सभी लोग लेते हैं। इसमें रहती है कटी हुई अदरक जो कि मैं मार्केट से लेकर आई हूँ, और हस्बैंड तो सब्जी की तरह से अदरक खाते हैं। और इसके बाद इसमें रहता है लाल मिर्च का बहुत ही बढ़िया अचार, बिल्कुल भी तीखा नहीं है, इसको तो मैं भी बहुत ज़्यादा खाती हूँ, सामने रखा रहेगा तो रेगुलर यूज़ करती रहूँगी। कॉर्नर में तो हम जब रखे रहते हैं चीज़ों को तो वो अलग ही रखी रह जाती हैं और अचार खराब ही हो जाते हैं। इस बहुत ही पुराने से जार में रहता है एक मिक्स अचार जो कि मार्केट का है, ये है देखिए एक लहसुन का अचार जो कि खाते तो लोग कम है, मैं ज़्यादातर इसको यूज़ कर लेती हूँ सब्जी वगैरह में जब लहसुन नहीं छीलती। और ये है बहुत ही स्पेशल एक ग्रीन चिलीज़ का, हरी मिर्च का, दही या मठे की मिर्च इन्हें बोलते हैं यहाँ पे, बहुत ही अच्छा अचार होता है। छोटा वाला बेटा तो इसे बहुत ज़्यादा खाता है, मिर्च इसमें नहीं लगती हैं और बहुत ही मामूली मसाले इसमें पड़ते हैं, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये है देखिए मेथी दाने की चटनी, मेथी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है हमारे लिए,
अगर डायबिटीज है तब, या हमारे जोड़ों में दर्द रहता है तो वैसे तो खा नहीं सकते मेथी को, लेकिन मेथी की ये मैं चटनी मार्केट से लेकर आई हूँ, काफी पहले से लाती हूँ और ये मैं तो रेगुलर ही इसे लेती हूँ, जरूर खाती हूँ। इसके बाद ये है देखिए गाजर के अचार, ये है गाजर का नमकीन अचार, आपको पहले भी दिखाया था मैंने। और एक ये मैं खुद डालती हूँ गाजर का मीठा अचार, इसमें गुड़ डलता है, पहले मैं इसमें सौंठ डाल दिया करती थी आम की, बहुत ही टेस्टी अचार है, इसकी जरूर ही आपके साथ रेसिपी में शेयर करूंगी। गाजर के अचार के बाद देखिए ये है नींबू के अचार, जिसमें ये रहता है कम मसाले का नींबू का मीठा अचार, जो कि तकरीबन खत्म हो गया है, अभी इसे भरूंगी दोबारा से। और ये है नींबू का कम मसाले का मीठा अचार, बहुत ही टेस्टी रहते हैं नींबू के अचार, वैसे भी पेट वगैरह में दर्द हो ना तो भी नींबू का अचार आप खा लीजिए, बच्चों को तो देते ही हैं। और ये है वो अचार जो हर घर में मिल जाते हैं, जिसमें है आम का अचार। तो आम के ये दो अचार हैं जो कि घर के ही हैं दोनों अचार, एक है कम ऑयल का और एक में ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा है। ये है आम का लच्छे का अचार, एक बार मैं मार्केट से लेकर आई थी मीठा आम का लच्छा, तब से मैंने ये डालना शुरू किया है। ये है देखिए आंवले का मुरब्बा, ये बड़ा बेटा रेगुलर खाता है इसको और बहुत ही फ़ायदेमंद होता है आंवला, तो किसी ना किसी फॉर्म में आंवले का मैं यूज़ करती हूँ। और देखिए ये तो था मेरा अचार का कॉर्नर, फिर डिटेल में शेयर करेंगे। और उसके बाद हम सब गए होटल, इंतज़ार किया सारे फैमिली मेंबर्स का, तो बच्चे भी रहे बड़े भी रहे और हम सब ने सेलिब्रेट किया अपनी दुरानी का बर्थडे। न्यू ईयर की वजह से सारे होटल्स में बुकिंग थी, तो बड़ी मुश्किल से हमें एक होटल में ये जगह मिली। ये है मेरे देवर और इन्होंने भी देखिए खिलाया केक देवरानी को, और इस तरह से हमने एक छोटा सा सेलिब्रेशन किया। और ये थी मेरी बारी केक खाने की, वैसे मैंने रेजोल्यूशन लिया हुआ है, आपके साथ शेयर करूँगी जल्दी ही कि मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है। बढ़िया, ये बता कितने साल की हो गई आज? गैस करो। देखने में तो 25 से ज्यादा नहीं लगती है। बस इसको सुनना था, ये सुनना था, ये गिफ्ट है मेरे लिए आज। गिफ्ट तो वैसे गिफ्ट तो दे रहा हूँ, दाद गिफ्ट तो भी नहीं, तो गिफ्ट यही काफी है कि कोई 20 का कह रहा है। उसके बाद हम आ गए होटल में एक अपने फैमिली फंक्शन के लिए हॉल देखने। तो मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहती हूँ, हमारे जो आसपास लोग होते हैं, जैसे मेरी दौरानी है, एक दूसरी फैमिली की वो है और दूसरी फैमिली की मैं हूँ, लेकिन फिर भी हमारा रिश्ता बहुत ही अच्छा है। कई बार हमें पॉजिटिव्स ही दूसरों में देखने चाहिए, अगर हम नेगेटिव देखेंगे तो हम किसी के साथ भी अपना रिश्ता अच्छा नहीं रख सकते हैं। तो मेरी दौरानी का नेचर वैसे भी बहुत अच्छा है, बहुत हंसमुख है, और जब भी उसके साथ टाइम पास होता है तो सिर्फ हम हंसते ही रहते हैं। तो कभी जो मेरा उसके साथ रिश्ता है वो एक मजबूत रिश्ता है। तो अगर आप भी कहीं पे भी फेस कर रहे हैं कोई भी नेगेटिविटी अपने किसी भी रिलेशन में, तो कोशिश करिए उसको पॉजिटिव बनाने की, क्योंकि हमारे घर के बाहर नहीं घर के अंदर भी कुछ रिश्ते ऐसे होने चाहिए जिनसे हम बेझिझक सारी चीज़ें शेयर कर सकें। तो ये बैठे हैं हम तीनों, दौरानी, जिठानी और सासू माँ। आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा पूनम को, आप लोग मुझसे कहते थे मिलवाओ, तो देखिए आज मैंने आप लोगों को मिलवा दिया। आज इंजॉय किया, खाना खाया, मस्ती करी, कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।